वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, एसबीआई पीओ की लेटेस्ट वैकेंसीज आई है। अभी इस लेक्चर पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने आप को इस पेपर के लिए प्रिपेयर करें। क्लियर? ओके, सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। ठीक है, देखो, सबसे पहले आप लोगों के दो एग्ज़ाम्स, दो क्या तीन एग्ज़ाम्स हैं। सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स होगा। ठीक है, इस प्री एग्ज़ाम्स पे आपके तीन सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से और रीजनिंग एबिलिटी से। क्लियर? इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स के। सिमिलरली रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स के। और इन तीनों सेक्शन को करने के लिए कंपोजिट आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा। इसका मतलब यह है कि कोई एक टाइम कांस्टेंट नहीं है कि इंग्लिश को ही आपने 10 मिनट पे करना है, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मिनट पे करना है, फिर रीजनिंग आधे घंटे में करना है। ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं है आपके ऊपर। आपके पास टोटल 100 क्वेश्चन है और टोटल टाइम 1 आवर है। क्लियर? तो आपको अपने हिसाब से टाइम को एडजस्ट करना है कि इंग्लिश को अगर आप 15 मिनट देते हो, ठीक है, मैथ्स को अगर आप 20 मिनट देते हो, क्लियर, और उसी के हिसाब से रीजनिंग एबिलिटी को आप लोग 25 मिनट देते हो। क्लियर? ये सब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप कैसे इस टाइम को एडजस्ट करते हो। क्लियर? ओके, अगर प्रिलिमिनरी एग्जाम्स पे आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद आप लोगों को एक मेंस एग्जाम्स लिखना पड़ेगा। क्लियर? मेंस पे आपके एक तो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, ठीक है, प्लस एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आपको कंप्यूटर में ही लिखना होगा। क्लियर? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 मिनट्स के होते हैं। इस पे एक तो लेटर राइटिंग आप लोगों को लिखना है और एक ऐसे लिखना है। ठीक है, जो भी करंट पे जो भी चल रहे हैं लेटेस्ट अफेयर्स, उससे रिलेटेड कोई एक ऐसे आएगा, या तो कोई बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ही ऐसे आता है जनरली। ठीक है, तो आप जब बैंकिंग सेक्टर के लिए अपनी प्रिपरेशन करोगे यहाँ पर, ठीक है, इस वाले चंक के लिए आप लोग प्रिपेयर करोगे, तो आप ऐसे को बहुत आराम से लिख सकते हो। बाकी एक फॉर्मल लेटर राइटिंग का कोई भी आप लोग पैटर्न देख लेना कि आप लोगों ने कैसे लिखना होता है कोई भी लेटर, फॉर्मल लेटर, तो ये वाला चंक तो आप आराम से क्लियर कर ही लोगे, डिस्क्रिप्टिव वाला चंक। ठीक है, 30 मिनट्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है ये। क्लियर? ओके, मेन इंपॉर्टेंट जो चंक है आप लोगों के लिए, दिस दैट विल बी योर दिस चंक। क्लियर? ओके, इस चंक पे देखो, रीजनिंग वाला जो सेक्शन है, इन लोगों ने उसे कंप्यूटर के साथ कंबाइन करके एक रीजनिंग प्लस कंप्यूटर एप्टीट्यूड करके एक सेक्शन बनाया है। डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से एक एक सेक्शन होगा आपका। ठीक है, देखो, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर में टोटल 45 क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स 60 मार्क्स का होगा और टोटल आप लोगों को 1 घंटा मिलने वाला है रीजनिंग और कंप्यूटर्स को करने के लिए। ठीक है, क्योंकि टाइम 1 घंटा मिलने वाला है, तो आप लोग समझ लो रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे होंगे, काफी टिपिकल होने वाले हैं। क्लियर? ओके, डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन टोटल 35 क्वेश्चन होंगे और 45 मिनट्स पे आप लोगों को ये 35 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ये भी कितना मार्क्स कैरी करता है? 60 मार्क्स कैरी करता है। क्लियर? ओके, अच्छा, एक बात देखो, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स पे उन लोगों ने यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा है और मेंस एग्जाम्स पे डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन लिखा है। तो इस लोगों से, इसके कारण आप लोगों को क्या, आप लोगों को डीआई तो पढ़ना है ही है, क्योंकि मेंस वाले पे तो खाली डेटा इंटरप्रिटेशन ही आना है। बट क्योंकि आपको प्रिलिमिनरी भी क्वालिफाई करना ही है, एग्जाम प्री एग्जाम्स क्वालिफाई करोगे तभी तो मेंस लिखोगे, तो उसके लिए आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के भी चैप्टर प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। क्लियर? ओके, थर्ड देखो, थर्ड सेक्शन है जनरल इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस का। इस पे टोटल 40 क्वेश्चंस है। ठीक है, टोटल मार्क्स 40 मार्क्स का है ये और मिनिमम
मिनट सॉरी आपको 35 मिनट्स अलॉट है। सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, 35 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स का ये पेपर होगा और आपको 40 मिनट्स ही अवेलेबल है। क्लियर? अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके बाद जब मेंस एग्जाम्स आप लोग क्लियर कर लोगे, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव भी आप लोग क्लियर कर लेते हो, मान लो मेंस एग्जाम्स और डिस्क्रिप्टिव आप लोग दोनों क्लियर कर लेते हो, तो इसके बाद आप लोगों का ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होगा फाइनल सिलेक्शन से पहले। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन आपका 20 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का होता है। तो टोटल कैसा हुआ? टोटल देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को, टोटल आपका मेंस का एग्जाम्स कितने मार्क्स का हुआ? 200 का, तो आपका ये वाला चंक है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 50 का है। तो अगर मैं मेंस की बात करूँ, देखो फाइनल सिलेक्शन जो होता है, मेंस आपका कितना है? 250 का है। क्लियर? इसमें मैंने डिस्क्रिप्टिव वाले मार्क्स भी ऐड कर लिए, 50 मार्क्स का जो ये चंक है। प्लस जीडी प्लस इंटरव्यू कितने का है? 50 मार्क्स का है। क्लियर? तो फाइनल सिलेक्शन जो 100 मार्क्स का होता है, उसमें क्या होता है, ये आपके 250 मार्क्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है 75 मार्क्स पे। क्लियर? और आपके जीडी वाले 50 मार्क्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है 25 मार्क्स पे। क्लियर? तो टोटल कितना हो जाता है? 100। और इस 100 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होता है। क्लियर? क्लियर? ठीक है, तो ऐसे आपका सिलेक्शन होता है। क्लियर? सिलेक्शन प्रोसीजर आप लोगों को आई गेस क्लियर हो ही गया होगा, कैसे आप लोगों ने, क्या क्या आप लोगों के सेक्शन आते हैं, कैसे कैसे एग्जाम आगे चलता है, प्रीलिमिनरी मेंस, मेंस पे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर प्लस डिस्क्रिप्टिव पेपर, उसके बाद मेंस के बाद मेंस के जो 250 नंबर है उसे 75 नंबर में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर? और उसके बाद जो आपका जीडी प्लस इंटरव्यू 50 नंबर का है उसे 25 नंबर में चेंज कर दिया जाता है, और टोटल आप लोगों का 100 नंबर का पेपर होता है। इसका मतलब ये है कि देखो, अगर मेंस पे आप 125 मार्क्स स्कोर कर ले हो, कर रहे हो आउट ऑफ 250, तो आप लोगों को कितना स्कोर हुआ, मतलब 37.5। प्लस अगर आप लोग यहाँ पे 40 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, तो आप लोगों का कितना स्कोर आया यहाँ पे, उसे अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 20, तो टोटल आप लोगों ने कितना स्कोर करा? 57.5। इस हिसाब से उसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये सब तो बात की बात है, पहले आप लोगों को अब मैं बता दूं कि कैसे पर्टिकुलर सेक्शन, हर सेक्शन आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। क्लियर? ओके, चलो सबसे पहले देखते हैं जनरल इकोनॉमिक्स बैंकिंग अवेयरनेस वाला सेक्शन आप लोगों ने कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, देखो इसके लिए आपको कोई बुक खरीदने की ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों ने क्या करना है, खुद को प्रिपेयर करना है 1 जनवरी 2016 से, जिस दिन भी आपका एग्जाम्स होगा। क्लियर? क्योंकि प्री में तो ये आता नहीं है, मेंस पे ही आना है। ठीक है, तो जिस दिन तक आपका एग्जाम्स होगा उसके 15 दिन पहले तक। ठीक है, अगर मान लो आपका एग्जाम है 30 जुलाई को, मान लेता हूँ मैं 30 जुलाई को आप लोगों ने एग्जाम देने जाना है, तो आपने कम से कम 15 जुलाई तक के करेंट अफेयर पढ़ के जाना है। क्लियर? खाली 15 दिन का ही छोड़ना है। क्लियर? अच्छा, तो इस करेंट अफेयर वाले चंक को आप लोगों ने प्रिपेयर कहाँ से करना है, तो मैं आप लोगों को दो, इसके लिए तो आप लोगों को कोई बुक की जरूरत नहीं है। देखो दो वेबसाइट्स हैं, एक वेबसाइट है आपका बैंकर्स अड्डा, बैंकर्स
दूसरा वेबसाइट है आपका जागरण जोश। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इन वेबसाइट्स पे जाना है, बैंकर्स अड्डा पे, और बैंकर्स अड्डा के कैप्सूल फॉलो नहीं करना है। कैप्सूल को आप लोगों ने सिर्फ रिवाइज करने के लिए यूज करना है। बैंकर्स अड्डा में आप लोग देखोगे तो हर दिन का करंट अफेयर्स द हिंदू से अपडेट होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने वहां पर जो डेली करंट अफेयर वो लोग पोस्ट करते हैं, आप लोगों ने वो चीज तैयार करनी है। और उसके बाद जब बैंकर्स अड्डा अपना SBI का कैप्सूल रिलीज करेगा, तो आप लोगों ने उस कैप्सूल से रिवाइज कर लेना है सारा चीज जो आप लोगों ने पढ़ा था 1 जनवरी से, वो आप लोगों ने कवर किया है कि नहीं किया है। क्लियर, आप लोगों ने ये चंक यहां से करना है। साथ ही साथ आप लोग बैंकर्स अड्डा के साथ ही साथ जागरण जोश एक वेबसाइट है, गूगल में लिखोगे तो खुल जाएगा, उस पे भी डेली करंट अफेयर्स अपडेट होते हैं। तो आप लोगों ने बैंकर्स अड्डा और जागरण जोश इन दोनों वेबसाइट की मदद से अपना करंट अफेयर वाला जो सेक्शन है वो क्लियर करना है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट चंक जो है दैट इज योर इकोनॉमिक्स, कहाँ से पढ़ू। ठीक है, वैसे इस बार अगर आप ध्यान दो, अभी तक जब SBI PO के पेपर होते थे तो उस पे मार्केटिंग वाला एक सेक्शन भी आता था, बट इस बार उन लोगों ने मार्केटिंग वाला सेक्शन को हटा दिया है। क्लियर, ओके। अब देखो स्टैटिक इकोनॉमिक्स कहाँ से फॉलो करना है। देखो स्टैटिक इकोनॉमिक्स, ठीक है, स्टैटिक इकोनॉमिक्स पे आप लोगों ने क्या करना है, एक तो या तो आप बुक फॉलो कर सकते हो, कोई भी एक जनरल नॉलेज की एक बेसिक सी बुक फॉलो कर लो। ठीक है, ज़्यादा डीप भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप मनोहर पांडे की बुक ही पढ़ लो, काफ़ी है। ठीक है, मनोहर पांडे की GK की जो जनरल नॉलेज 2017 पब्लिकेशन भी अब आ गई है, आप लोग उस वाले बुक से इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन को प्रिपेयर कर लो। क्लियर, व्हाट इज GDP, व्हाट इज GNP, ठीक है, कौन से कंट्री की कौन सी करेंसी चलती है, जैसे RBI में सेंट्रल बैंक, सॉरी जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक RBI है, तो USA का सेंट्रल बैंक कौन सा है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक कर लेना है, करेंसी कर लेना है, ठीक है, GDP GNP ये सब कर लेना है, बजट देख लेना है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है। ठीक है, तो ये सारे आपको इस मनोहर पांडे वाले बुक्स पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं होता, इकोनॉमिक्स वाला अगर आप चंक देखोगे तो 30-40 पेज का ही होगा ज़्यादा, तो इन 30-40 पेज में आप लोगों को ये सारे चीज मिल जाएंगे। इस पे आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ बैंक भी मिल जाएगा, जो बैंकिंग के छोटे मोटे टर्म्स है ना, जैसे RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेफ्ट हो गया, ठीक है, ECS हो गया इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, स्विफ्ट कोड्स हो गए, ठीक है, माइकर MICR कोड्स हो गए, IFSC कोड्स हो गए, ये क्या होते हैं, ठीक है, बैसल नॉर्म्स हो गए, ठीक है, ये सारे चीज आप लोगों को इस बुक पे मिल जाएगा, जो कि सफिशिएंट होते हैं आपके एग्जाम पर्पस से। ठीक है, आप लोगों को और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो आप लोग क्या करना, मृणाल पटेल, ठीक है, इकोनॉमिक्स लिख देना आप लोग। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, मृणाल पटेल की का जो वेबसाइट है उस पे इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन पे जाके, ठीक है, उस पे बैंकिंग वाले चंक के अंदर घुस जाना। ठीक है, आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा, बैंकिंग के लिए अलग से है। ठीक है, तो वहां पे आपको सारे बैंकिंग के टर्म, जैसे कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है, ठीक है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है,
ठीक है, ये सारे टर्म्स जो बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स है आप लोगों को वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ आप चाहे तो वहाँ से इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन मनोहर पांडे न लेकर आप लोग इस वेबसाइट से भी फॉलो कर सकते हैं। इस वेबसाइट में भी बहुत अच्छे तरीके से ये सारी बात बताई गई है। ठीक है, आप मृणाल पटेल इकोनॉमिक्स लिख के गूगल में सर्च करोगे तो टॉप में ही आएगा ये आपके सर्च पे। ठीक है, आप उसके साइट पे इकोनॉमिक्स वाले चंक के आर्काइव्स पे ढूंढ के चले जाना, आप लोगों को सब चीज क्लियर हो जाएगा। क्लियर, ओके। थर्ड आप लोग क्या कर सकते हो बैंकिंग के टर्म्स के लिए, आरबीआई की वेबसाइट खोलना। क्लियर, गूगल पे आरबीआई लिखोगे, ठीक है, उस वेबसाइट के सबसे नीचे एंड पे जाओगे तो वहां पर एक आप लोगों को टैब दिखेगा मोर लिंक। क्लियर, उस मोर लिंक के बाद आप लोग इस टैब पे चले जाना, FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, इस टैब के अंदर जाके आप लोग FAQs पे जाना तो वहां पे लगभग आप लोगों को 30-40 FAQs के PDF मिलेंगे। ठीक है, अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से बैंकिंग सेक्टर्स की नॉलेज रखना चाहते हैं तो आप उस FAQs को भी एक बार पढ़ लेना। उस पे जैसे आप लोगों को पता चल जाएगी कि जैसे RTGS की लोअर लिमिट 2 लाख रुपए है, नेफ्ट की लोअर लिमिट कुछ नहीं है, RTGS की अपर लिमिट कुछ नहीं है। ठीक है, नेफ्ट क्या एक बैच प्रोसेसिंग है, ये सारी जो भी कंसेप्चुअल क्लैरिटीज होंगे। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज क्या होंगी, ठीक है, रूरल हाउसिंग लोन्स के लिए, रूरल हाउसिंग के लिए आप कितना लोन्स दे सकते हैं, एजुकेशन के लिए क्या लोन दे सकते हैं, ये सारे जितने भी टर्म्स होंगे। ठीक है, वैसे तो बेसिकली अगर आप आरबीआई का मोर लिंक FAQ करते हो तो बैंकिंग से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आप लोगों के वो इन्हीं लिंक से आते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज, बैंकर्स अड्डा प्लस जागरण जोश, मनोहर पांडे या मृणाल पटेल इकोनॉमिक्स वाला चैंक, ठीक है, और आरबीआई का FAQ, अगर आप लोग इतना पढ़ के जाते हैं, ठीक है, तो जो ये 40 मार्क्स का जो सेक्शन है आप लोगों का, उसमें आप लोग इजीली 35+ स्कोर कर सकते हो। क्लियर, ओके, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं उसे कैसे प्रिपेयर। नेक्स्ट इज योर रीजनिंग प्लस कंप्यूटर। देखो, रीजनिंग पे आप लोगों ने क्या क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने सिलॉजिज्म कर लेना। ठीक है, आप लोग 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो सिलॉजिज्म से। ठीक है, मैंने सिलॉजिज्म डिस्कस भी कर लिया है अपने पे लेक्चर पे। ठीक है, आप लोग 4 पार्ट मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, आप लोग जाके वहां पे 4 पार्ट देख लेना तो सिलॉजिज्म आप लोगों का एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी वाले केस और सारे केस मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग मशीन इनपुट आउटपुट, ठीक है, 5 क्वेश्चन आप लोगों के यहां से आने हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन आने हैं, ये भी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। उसके बाद कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन आने हैं, ये टॉपिक भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशनशिप। ठीक है, इससे 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लो, वैसे 5 तो नहीं आएंगे, 2 ही 3 आएंगे। ठीक है, पजल, दो पजल आ सकते हैं आप लोगों के, और लॉजिकल आर्गुमेंट्स।
यहाँ से आप लोग 5 क्वेश्चन, यहाँ से भी आप लोगों के 7-8 क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल मिला के जो रीजनिंग वाला सेक्शन है, क्लियर, इस रीजनिंग वाले सेक्शन पे आपके 45 क्वेश्चंस आने हैं, तो आई गेस रीजनिंग से आपके 35 क्वेश्चंस तो होंगे ही, ठीक है। तो उसमें श्योर शॉर्ट आपका सिलॉजिज्म आता ही है हर बार, 5 क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मशीन इनपुट आउटपुट मैं डिस्कस कर लूँगा, 1-2 क्वेश्चन पे ही डिस्कस हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कोडेड इनइक्वालिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, बाकी आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग के ट्रिक्स मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है। बाकी डायरेक्शन ब्लड रिलेशनशिप भी डिस्कस कर लेंगे। पजल्स मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे अप्रोच करना है, वैसे मैंने एक पजल डिस्कस किया है, ठीक है, बट मैं आप लोगों से और भी डिस्कस कर लूँगा। बाकी लॉजिकल आर्गूमेंट्स पे आपके इन्फ्रेंस, जजमेंट, कंक्लूजन्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्ट्रेंथन द आर्गूमेंट्स, ये सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ आप लोगों ने इसे प्रिपेयर कैसे करना है, क्लियर। ये सब आप लोगों का आ सकता है पेपर में, क्लियर। शॉर्ट शॉर्ट ये तो नहीं आएगा, बट हाँ प्रोबेबिलिटी हाई है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखो आप लोगों ने करना क्या है, बेसिकली पजल्स वाले के लिए, ठीक है, पजल्स के लिए आप लोग जो आरएस अग्रवाल की रीजनिंग की बुक है, ठीक है, आरएस अग्रवाल की जो रीजनिंग की बुक्स आती है, बड़ी मोटी सी बुक है, ठीक है, ज्यादा कुछ वैसे काम का है नहीं, ठीक है, उसमें पजल वाला सेक्शन काफी अच्छा दिया है, ठीक है, क्योंकि वो बुक ना अपडेट ही नहीं हुई काफी टाइम से, बट जो पजल्स के लिए है, पजल के लिए वो बुक काफी अच्छी है, ठीक है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पजल दिए गए हैं, ठीक है, उन्हें कैसे अप्रोच करना है वो सब आप वहां से सीख जाओगे, ठीक है। तो आप आर एस अग्रवाल की रीजनिंग की बुक अपने फ्रेंड से अरेंज कर लेना, या जैसे भी आप अरेंज करके उसका रीजनिंग वाला जो सेक्शन है, वो रीजनिंग वाला सेक्शन, सॉरी पजल वाला जो सेक्शन है, आप लोग यहां से प्रिपेयर कर लेना, क्लियर, ओके। बाकी क्या करना है, बाकी क्या करोगे आप लोग, जो आप लोग क्या करना, एक जो ये आप लोगों की मैगजीन आती है, ठीक है, मंथली मैगजीन है एक, बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल, ठीक है, ये वाला चंग भी आप लोग यहीं से तैयार कर सकते हो। कोडेड इनइक्वालिटी तो मैंने बता ही दिया है, सिटिंग अरेंजमेंट भी बता दिया है, सिलॉजिज्म भी बता दिया है, लॉजिकल आर्गुमेंट्स भी आप लोग यहाँ से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि ये सब मैं भी डिस्कस कर लूँ, ठीक है। बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल करके एक मंथली मैगजीन आती है बीएससी पब्लिकेशन की, आप लोग क्या करो, आप लोग इस मंथली मैगजीन्स को एक तो इस महीने का तो ले ही लो, बाकी पुराने 5-6 महीने के ये मैगजीन्स भी आप लोग कहीं से अरेंज कर लो। आपका कोई फ्रेंड प्रिपेयर कर रहा होगा तो उसके पास हो सकता है, वरना आप जैसे भी इसे अरेंज करो, ठीक है। कम से कम 10 बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल आप लोग अरेंज कर लो अपने पास, ठीक है। बहुत ही अच्छी बुक्स होती हैं इनकी, बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल वालों के लिए, ठीक है। अगर आप 10 बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल की मैगजीन अरेंज कर लेते हो, न्यू एडिशन अरेंज करना जहाँ तक हो सके, ठीक है, तो उस पे लगभग आपको 25 तक बैंकिंग के पेपर मिल जाएंगे, 25 प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे बैंकिंग के, क्लियर। तो आप लोग इन 25 बैंकिंग सेट्स को क्या कर सकते हो, इन 25 बैंकिंग सेट से आप लोग सिलॉजिज्म तैयार कर सकते हो, हर बैंकिंग सेट पे होगा। तो 25 में करोगे तो कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, 125 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। मशीन इनपुट आउटपुट भी हर किसी में होगा तो आपके पास 25 क्वेश्चंस हो जाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट भी के भी हर सेट पे क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग 25। तो अगर इन 25 सेक्शन से जब आप लोग ये तैयार कर लोगे ना, तो आप लोगों की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप लोग जब एग्जाम्स पे जाओगे तो आप लोगों को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम
फेस नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इसका लेवल काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इस लेवल पे अगर आप लोग प्रिपरेशन करते हो तो एग्ज़ाम्स पे जब उस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो आप लोगों ने वो लेवल पहले से क्योंकि प्रिपेयर कर रखा है तो आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बाकी आप लोग स्पीड टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। महिंद्रा वालों का स्पीड टेस्ट होता है, ठीक है, आप लोग वो स्पीड टेस्ट ज्वाइन कर लो। बहुत ही नॉमिनल रेट पे होते हैं स्पीड टेस्ट, ठीक है। उससे क्या होगी, रीजनिंग वाला सेक्शन क्या है, बेसिकली प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, आप लोगों ने कितना प्रैक्टिस किया है, ठीक है। अगर अच्छी प्रैक्टिस की है तो रीजनिंग पे आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ओके, बाकी रहा कंप्यूटर वाला चंक, ठीक है, तो कंप्यूटर वाले चंक को आप लोगों ने, मैं बुक बता देता हूँ, पीके सिन्हा, पीडीएफ भी अवेलेबल है नेट पे इसकी, पीके सिन्हा कंप्यूटर्स फंडामेंटल। ठीक है, जो लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, बीटेक हैं, उन लोगों को तो कुछ ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर वाला चंक पढ़ने के लिए, बट जो लोग प्लेन ग्रेजुएट हैं जिन्होंने कंप्यूटर्स नहीं पढ़ा है कभी, उन लोगों के लिए मैं ये बुक रिकमेंड करूँगा, पीके सिन्हा कंप्यूटर फंडामेंटल्स की। आप लोग ये बुक ले लीजिए और इस बुक को एक बार पढ़ लेना, क्लियर। ओके, नेक्स्ट सेक्शन की बात करूँ तो नेक्स्ट सेक्शन इज़ योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, क्योंकि प्रिलिमिनरी में उसने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा है और मेंस पे उसने डेटा इंटरप्रिटेशंस लिखा है, तो आप लोगों को क्या है, आप लोगों को दोनों चीज़ की प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी, क्लियर, ठीक है ना। आप लोग खाली डीआई नहीं प्रिपेयर कर सकते, क्या पता प्री में वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही पूछे आप लोगों से, तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के कौन कौन से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है टॉपिक, देखो फर्स्ट आप लोग करना नंबर सिस्टम, ठीक है, वीडियो लेक्चर पे हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड आप लोग कर लेना एवरेज, थर्ड कर लेना मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है, ओके। फोर्थ कर लेना रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। फिफ्थ कर लेना परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। सिक्स्थ कर लेना आप लोग टाइम एंड वर्क, सेवेंथ कर लेना आप लोग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और आप लोग एक कर लेना और जो आठवां संघ है डेटा इंटरप्रिटेशन। क्लियर, देखो जो नंबर सिस्टम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन डिस्कस कर चुके हैं, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, टाइम एंड वर्क हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी लिख लो इस पे, ठीक है। एक और टॉपिक है इस पे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस TSD, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। वैसे तो मैथ्स के हम लोग शायद सारे ही लेक्चर तब तक डिस्कस कर लेंगे मोस्ट प्रॉबेबली, जब तक आप लोग मेंस लिखोगे इसका, ठीक है, या आप लोग प्री लिखोगे तब तक भी काफ़ी डिस्कस हो जाएगा। बट ये वाला जो चंक है, इतना चंक है, इसे आप RS अग्रवाल से प्रिपेयर करो, ठीक है। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खाली प्री एग्ज़ाम्स पे ही आपके पूछे जाएंगे और प्री के एग्ज़ाम्स के मार्क्स आपके मेंस पे ऐड नहीं होते, बट आपको प्री क्वालिफाई करना है तो आपको ये टॉपिक तो एटलीस्ट करने ही पड़ेंगे जितने मैंने लिखे हैं, ठीक है। आप ये सारे टॉपिक RS अग्रवाल से कवर कर लेना, ठीक है। बाकी वीडियोस तो आप लोग मेरे देखते ही होंगे, ठीक है, उन लोगों पे मैंने, उस पे भी मैंने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिया है और मैं कोशिश करूंगा कि तब तक ये सारे टॉपिक कवर कर ले हम लोग, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 4-5 लेक्चर का ही टॉपिक है, रेशियो प्रोपोर्शन 2-3 लेक्चर का है, एवरेज 2 लेक्चर का है, ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा 20 लेक्चर्स के टॉपिक ही है ये लोग,
क्लियर। अच्छा, डेटा इंटरप्रिटेशंस की बात करूं तो इस पे आप लोगों को टेबुलर फॉर्म, पाई लाइन, बार और मिक्स्ड। ठीक है, अब ये लोग आप लोग कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? ठीक है, एक तो आप लोग जो बीएससी मैगजीन्स लोगे, बीएससी वाली मैगजीन्स लोगे, एक तो आपको उस मैगजीन्स पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, जिस टाइप के आपके पेपर में आते हैं। दूसरे आप लोगों के, क्योंकि मेंस पे खाली यही आना है और ये 60 नंबर का है, तो आप इसे छोड़ नहीं सकते ऐसे, आप लोग अरुण शर्मा की डेटा इंटरप्रिटेशन की बुक ले लेना। ठीक है, डीआई की बुक आती है अरुण शर्मा की। क्लियर, आप लोग अरुण शर्मा की डेटा इंटरप्रिटेशंस की बुक ले लेना और उस बुक से आप लोग ये चीज प्रिपेयर कर लेना। ये पांचों टॉपिक उस पे दिए हुए हैं, आप लोग वहां से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोग वहां से ये प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, वहां से आप लोग प्रिपेयर करोगे तो आपको काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्लियर, और वैसे भी आप लोगों को पता है कि मेंस पे ये वाला चंक कितने नंबर का आने वाला है, 60 मार्क्स का है, तो इसे आप लोगों को ढंग से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा अगर आप लोगों को, आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। बाकी बीएससी मैगजीन्स पे 25 आप लोगों के पास सेट्स होंगे, वहाँ से भी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो। बाकी आप लोग कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी आप लोग जो स्पीड टेस्ट ज्वाइन करोगे उस पे भी इनके क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते रहेंगे, आप वहाँ से भी इसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर, ठीक है, ओके। अब देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज आप लोगों ने कहाँ से प्रिपेयर करना है। ठीक है, देखो इंग्लिश लैंग्वेज 40 नंबर का है और 40 क्वेश्चंस है, तो एक तो आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का आएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, 20 मार्क्स पे आप लोगों के 2 पैसेज होंगे। ठीक है, और मैं बता दूं आप लोगों को कि पैसेज का लेवल काफी अच्छा आता है। ठीक है, अगर आप लोग न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन नहीं पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर का बिजनेस वाला सेक्शन नहीं पढ़ते हैं, तो उसे आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। ठीक है, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम, जो भी आपको न्यूज़पेपर मिलता है उस न्यूज़पेपर का इकोनॉमिक सेक्शन पक्का पढ़े और एडिटोरियल सेक्शन पक्का से पढ़ना शुरू कर दे। तभी आप लोगों की अगर रीडिंग की हैबिट होगी अच्छी, तभी आप लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के क्वेश्चंस अच्छे से समझ पाओगे और उसे वहां पर सही से कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोग आज ही से उसे पढ़ना शुरू कर दो, डेली डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है बाकी। ठीक है, बाकी आप लोगों का स्पॉटिंग एरर आएगा, फाइव मार्क्स का। ठीक है, क्लोज टेस्ट आएगा। देखो अगर आप लोगों की अच्छी रीडिंग हैबिट है ना, तो स्पॉटिंग एरर और क्लोज टेस्ट भी आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, बाकी वोकैबलरी आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, दो दो क्वेश्चन हर पैसेज में होंगे वोकैबलरी के। क्लियर, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपने न्यूज़पेपर से रेडी करना है, बाकी ये वाला जो चंक है। ठीक है, वैसे तो अगर आप लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्लोज टेस्ट भी आप लोगों का वहीं से प्रिपेयर हो जाएगा। स्पॉटिंग एरर के लिए थोड़ा ग्रामर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और थोड़ी आप लोगों को अपनी वोकैबलरी भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, इन दो चंक के लिए आप लोग बुक फॉलो कर सकते हो, प्लिंथ टू पैरामाउंट, प्लिंथ टू पैरामाउंट।
जनरल इंग्लिश करके एक बुक आती है, ठीक है, नीतू सिंह, केडी पब्लिकेशन की बुक है, पहले पैरामाउंट पब्लिकेशन के नाम से छपती थी। क्लियर? आप लोग ये बुक फॉलो कर सकते हैं इस वाले सेक्शन के लिए, स्पॉटिंग एरर के लिए और वोकैबुलरी के लिए भी, ठीक है, इन दोनों सेक्शन के लिए काफी रहेगा ये खाली बुक ही। स्पॉटिंग एरर पे भी आप लोगों ने, ठीक है, हाँ, स्पॉटिंग एरर और वोकैबुलरी के लिए प्लिंटू पैरामाउंट आप लोगों के लिए काफी है। क्लियर? बाकी आप लोग बीएससी के मैगजीन से प्रैक्टिस करोगे ही और स्पीड टेस्ट आप लोगों ने ज्वाइन करना ही है, ठीक है। डेली का एक स्पीड टेस्ट दो आप लोग, ठीक है, डेली का करंट अफेयर प्रिपेयर करो, डेली का स्पीड टेस्ट दो, ठीक है, बाकी डेली के आपके रीजनिंग के प्रैक्टिस पेपर्स करो, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसे ये सारा टॉपिक जो मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोग ये सारा टॉपिक प्रिपेयर करते हैं तो एग्जाम्स पे आप लोग खुद को बहुत अच्छे लेवल पे पाओगे, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आप लोग सॉल्व करने लग जाओगे। क्लियर? ठीक है, और बाकी आप लोग मेरे वीडियो चैनल को फॉलो कर ही रहे होंगे। जो लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी पे ज्वाइन नहीं हुए हैं वो लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। बाकी मेरे ऑनलाइन गुरुजी यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या है, आप लोगों को रीजनिंग और मैथ्स वाला सेक्शन तो मैं आप लोगों का प्रिपेयर करा ही रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो आप लोगों को वहाँ से थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। बाकी आप लोग जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग ऐसे प्रिपेयर करो तो आप लोगों का कहीं ना कहीं अच्छे जगह पक्का से सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर? होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक पक्का कीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स लोगों के साथ वीडियो को शेयर्स कीजिए। ओके, थैंक यू।